अस्सलाम वालेकुम क्लास थ्री, कैसे हैं बेटा आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बेटा, हम लोग सबक पढ़ रहे हैं अखलाक व आदाब, जिसकी हम लोग पढ़ाई मुकम्मल कर चुके हैं। आज हम लोग इसकी किताबें मश्क करेंगे, जिससे आप किताब पर ही हल करोगे। ठीक है, सबसे पहला सवाल है, खाली जगह फुल करें। झूठ बोलना डैश है, झूठ बोलना डैश है, क्या है? झूठ बोलना गुनाह है। ठीक है, झूठ बोलना गुनाह है। नंबर टू, फरिश्ता झूठ की डैश से 1 मील दूर चला जाता है। अब हम हमें पता है कि जब भी इंसान, जब हमने रीडिंग की थी तो मैंने आपको बताया था कि जो इंसान एक दफा झूठ बोलता है ना, तो फरिश्ते जो उसके पास मौजूद होते हैं, उसकी मदद के लिए खड़े होते हैं, वो उससे बहुत ज्यादा, यानी कि 1 मील दूर चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है कि फरिश्ता झूठ की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है, यानी कि झूठ बोलने वाले से इस कदर बदबू आती है कि वो अपनी जगह को छोड़कर उससे 1 मील दूर चला जाता है, उसकी स्मेल इतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो क्या है कि जो फरिश्ता झूठ की बदबू से 1 मील दूर चला जाता है। नंबर तीन है, अच्छी गुफ्तगू करने से आपकी डैश भरेगी, क्या भरेगी? इज्जत। अच्छी गुफ्तगू करने से आपकी इज्जत भरेगी। अब देखो कि जब आप एक फैमिली में बैठे हुए हो, एक किसी जगह पे बैठे हुए हो, किसी के साथ मेहमानों में बैठे हुए हो, जब आपका बोलने का अंदाज ही लोगों के साथ इतना अच्छा होगा, तो उसमें सब आपकी तारीफ करेंगे। तो जब आपकी सब तारीफ करेंगे तो क्या भरेगी आपकी? इज्जत। ठीक है ना, दोबारा पढ़ती हूँ कि अच्छी गुफ्तगू करने से आपकी इज्जत भरेगी। नंबर फोर है, गुफ्तगू के दौरान हमेशा डैश बोले, जब भी बात करें, जब भी बोले सच बोले, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए। क्यों? क्योंकि अल्लाह ताला ने झूठ बोलने वालों पर लानत की है। ठीक है ना, इसलिए हमें झूठ नहीं बोलना है। आगे आए हैं नंबर पांच, इंसान जो भी अल्फाज मुंह से निकालता है, अल्लाह ताला का डैश उसे लिख लेता है। जब हर कोई इंसान अपने मुंह से कोई भी अल्फाज निकालता है, कोई बात करने के लिए अल्फाज निकालता है, तो अल्लाह ताला का जो फरिश्ता है वो उसे अपनी किताब में लिख लेता है। ठीक है ना, ये तो हम जानते हैं कि हमारे कंधों पर फरिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, दाएं हाथ बाजू कंधे पर जो बिठाया गया है वो अच्छे अमाल लिखता है, और जो बाएं कंधे पर बिठाया गया है वो बुराइयां लिखता है, गलत अमाल लिखता है। तो इस वजह से फरिश्ता जो है वो उसे लिख लेता है। अब फरिश्ते को तो पता चल जाता है ना कि ये क्या झूठ बोल रहा है, क्या सच बोल रहा है, उन्हें हर चीज़ के बारे में पता होता है। ठीक है, दोबारा आगे चलती हूँ। दोबारा ये लाइन पढ़ने के बाद, कि इंसान जो भी अल्फाज मुंह से निकालता है, अल्लाह ताला का फरिश्ता उसे लिख लेता है। ठीक है, आगे आज ये गलत दोस्त आपकी बुक में है, जो मैंने यहाँ सॉल्व कर दिए हैं, आप यहाँ से देख के इसको हल कर सकते हो। नंबर एक है, सच्चे आदमी के दिल को इत्मीनान होता है, बिल्कुल होता है, सही। दूसरों की चीजें इजाजत के बगैर इस्तेमाल की जा सकती हैं, क्या दूसरों की चीजें बगैर उठा के इस्तेमाल करनी चाहिए? नहीं, गलत। पड़ोसियों की इज्जत करनी चाहिए, बिल्कुल ठीक, हमें करनी चाहिए। उसको बड़ा मुजरिम करार दिया गया है जो रिश्तेदारों के हकूक पामाल करे, बताएं वो बड़ा मुजरिम है जो उन लोगों को अदा करेगा, इसलिए बताएं, सही। हमेशा उस कदर आहिस्ता बोले जो मुखातिब सुन ना सके, क्या हमें इतने इस तरीके से आहिस्ता से बात करनी चाहिए कि सुनने वाले को आवाज ना जाए? तो गलत। हमेशा इस कदर आहिस्ता बोले कि मुखातिब सुन ना सके, गलत। दुरुस्त जवाब पर टिक्का निशान लगाएं। झूठ बोलना क्या है? गुनाह। बहतान का मायने क्या है? इल्जाम। इल्जाम। दूसरों की चीजें पूछे बगैर उठाना क्या कहलाता है? चोरी। रिश्तेदारों के साथ ताल्लुक तोड़ने वाला कहाँ दाखिल होगा? जन्नत में। कुरान मजीद में मुसलमानों को किस तरह बात करने का हुक्म दिया गया है? नरमी से। अच्छी गुफ्तगू करने का फायदा क्या है? इज्जत बढ़ेगी। इज्जत बढ़ेगी। चोरी करना कैसा अमल
फल है, सत्रीन गुना है, सत्रीन गुना है। ठीक है बेटा, दोबारा से मैं इसको पढ़ देती हूँ ताकि आपको पता चल जाए। झूठ बोलना क्या है? गुना। भुगतान का मायने क्या है? इल्जाम। दूसरों की चीजें पूछने बगैर उठाना क्या कहलाता है? चोरी। रिश्तेदारों के साथ ताली तोड़ने वाला कहाँ दाखिल ना होगा? जन्नत में। कुरान मजीद में मुसलमानों को किस तरह बात करने का हुक्म दिया गया है? नरमी से। अच्छी गुफ्तगू करने का फायदा क्या है? इज्जत बढ़ेगी। चोरी करना कैसा अमल है? सत्रीन गुना है। ठीक है बेटा, ये थी हमारी किताबी मशक, जिसे आपने किताब पर ही हल करनी है और उसे याद भी करना। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।